जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये बोलते हैं कि फौजी अगर आप कर रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो देश पे, अगर फौज की नौकरी आप कर रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो देश पे, या कितनी आसान बिल्कुल आप केवल जॉब के लिए फौज की नौकरी की तैयारी कर रहे हो और आपको देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है, या फौजी बनना कितना आसान और कितना मुश्किल है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि बस फौजी बन जाना बहुत ही आसान है। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के गाल पे तमाचा है जो ये बोलते हैं ना कि जो फौजी बन गया तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया, या फौजी बनना कितना मुश्किल है, जो आपको जॉब चाहिए तो बनोगे ही बनोगे। बहुत सारे कमेंट किसी ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि अरे कौन से तुम देश सेवा कर रहे हो बड़ी, हम भी तो देश सेवा कर रहे हैं। देश सेवा करने का जज्बा और भी जॉब है। अब मैं आपको एक बताऊँ कि कितना मुश्किल है। अगर जो बंदा फौज की तैयारी करता है ना, वो दूसरा के भी फाइट कर सकता है। उदाहरण के तौर पर जो भी SSC GD की जो पेपर का जिसका चल रहा है मेरिट का, आप देखिए जिसके 90 नंबर है वो भी डर रहा है कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। 90 नंबर 100 में से 90 नंबर का मतलब समझते हो 90%। लेकिन ये नहीं कि वो दूसरा जॉब नहीं कर सकता, अगर इतनी मेहनत की, थोड़ी मेहनत करके और भी बहुत सारे जॉब हैं। लेकिन जो ये वर्दी पहनने का सुकून मिलता है ना, इसको पहनने की जो इज्जत मिलती है हमारे देश में, या मातृभक्ति की जो सेवा मिलती है, फौज का जॉब सिर्फ जॉब नहीं है, त्याग है, तपस्या है। कोई भी इंसान अगर बेल्ट की नौकरी पाता है या फौज की नौकरी अगर पाता है, आर्मी की भर्ती देखिए कभी, या नीचे बकचोद करने से पहले एक बार आर्मी की भर्ती देख लेना, या कोई भर्ती का वीडियो देख लेना, कैसे 500 के बेच में से 20 अगले 20 को लेते हैं, और जब 500 बंदे तोड़ते हैं किस कंडीशन में दौड़ते हैं, 250-250 के बेच, 500 के बेच जो दौड़ते हैं। SSC GD की वैकेंसी पिछले 3 साल से अटकी हुई है। किस प्रकार से लोग पेशेंस करते हैं, कैसे पेपर की तैयारी करते हैं, कौन लोग है ये, इनके पास में आपके जितनी सुविधाएं नहीं है। फिजिकल देते हैं ना तो रोड पे देखा होगा, जो फौजी बनने जाते हैं ना उनको आप अक्सर रोड पे सोते हुए देखे होंगे भर्ती से पहले, और भर्ती के बाद होने के बाद भी फौजी रोड पे सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो इंसान जमीन से उठा है ना, उसको जमीन पे गिरने का डर नहीं होता है। तो फालतू की बकचोद नहीं करना मेरे चैनल पे आके। अगर कोई भी बोल रहा है ना तो ऐसा नहीं, ये वर्दी केवल मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ब्रांडेड कर रहे हैं ना, उनके लिए वर्दी पहन के वीडियो बना रहा मैं। ये किसी ब्रांड की मोहताज नहीं है, ना किसी ब्रांड कंपनी का कहीं नाम है, फिर भी तेरे ब्रांडेड से ब्रांडेड कपड़े को भी फीका कर देगी अगर पहन के सामने आ जाएगा ना। कोई भी नॉर्मल सा इंसान भी अगर वर्दी में दिखेगा ना, तो छोटे छोटे बच्चे 3 साल के 4 साल के 5 साल के वो भी ऐसे जयंत करते हैं, और उसी प्राउड के लिए वर्दी पहनी है। जो तैयारी करता है ना, एक बार सुन ले अच्छे से, जो फौज की तैयारी करता है ना, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, हाँ हमारे देश में ऐसा नहीं है कि कोई करोड़पति अरबपति का बेटा तैयारी करे, लेकिन कई देशों में ऐसा है कि उस देश में अगर वहाँ का कोई भी व्यक्ति होगा उसको फोर्स में जाना अनिवार्य होता है, और शायद आने वाले समय में इस देश में भी ऐसा किसी दिन होगा। अगर 4 साल वो आर्मी का जो चल रहा है टूर ऑफ ड्यूटी, तो जरूर ऐसा कुछ होगा। देशभक्ति करके तो देखो एक बार, जितना मुश्किल उस भर्ती में लगना है ना फौज की में, उतना ही मुश्किल उस फौज की नौकरी को पूरा करना होता है। जब एक फौजी ज्वाइन होता है ना, तब उसकी रिटायरमेंट की डेट फिक्स नहीं होती है। कोई ये सोच के नहीं आता मैं इस तारीख को रिटायरमेंट होगा, क्योंकि पता नहीं रिटायरमेंट जाएगा या कफन लेके जाएगा तिरंगा। तो देशभक्ति के बारे में कभी कुछ शक पैदा नहीं होना चाहिए आपके बारे में। जितना मुश्किल लगना है ना, कभी देखिए आर्मी की भर्ती, 1600 मीटर की रनिंग, सांस फूल जाती है, 100 मीटर की रनिंग में सांस फूल जाती है, बकचोद करने में थोड़ी सी टाइम नहीं लगता। नीचे कमेंट बॉक्स में आके कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हो, पैसे भी तो ले रहे हो, पैसे ले रहे हैं क्योंकि जिसने जन्म दिया ना जिस माँ ने, उसको भी पेट भरना पड़ता है। जो बच्चे हैं जिन हमारे, उनको भी पेट भरना पड़ता है, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया माँ बाप ने, उनका पेट भरना पड़ता है, इसलिए पैसे लेते हैं। नहीं तो पैसे मैं दे दूँ, कोई देने को है तो यार जान लाओ इधर, कितने तैयार है फिर पैसे के लिए। अगर आए तो फिर आ जाओ ना, सभी आ जाओ, क्यों नहीं आते। SSC GD की वैकेंसी में 5 किलोमीटर की रनिंग, उसके बाद में फिजिकल, पेपर में नंबर देखो, 100% जिसके 90, 92, 93 नंबर है वो भी घबराए हुए बैठे हैं, 2 दिन बाद में रिजल्ट आने वाला है कि कैसे फौजी बन जाए। आपको पता है कि फौजी केवल वही नहीं होता कि जिस जो फौजी बन जाता है, वो लोग भी फौजी होते हैं जो फौजियों की इज्जत करते हैं, या जिनका सपना होता है फौजी बनने का, चलो खुद नहीं बन पाया, उसके बच्चे को फौजी बनाता है। किस लिए? अगर मुझे एक बात बताओ कि 125 करोड़ के देश में 30-40 लाख की फोर्स है, आर्मी 18 लाख और अदर फोर्स लगा के 9-10 लाख, 30-35 लाख की पूरी फोर्स है,
अगर वो लोग भी ये सोचने लग जाएंगे कि फौजी नहीं बनेंगे, मुझे बताओ 125 करोड़ है हमारे देश की जनसंख्या, उसमें से 30 से 35 लाख तो फौजी है, बाकी का पेट नहीं भर रहा क्या इस देश में, या भूखे मर रहे हैं? अगर कोई भूखा मर रहा तो मुझे बता दो कि वो भूखा मर रहा अगर फौज की नौकरी नहीं लगा तो, कोई भूखा नहीं मर रहा। और आपको भी मैं बोलता हूँ, लो जान दे दो आप पैसों के बदले। और कौन से पैसे मिलते हैं जान के लिए? एक फौजी आदमी जब ज्वाइन होता है उस दिन से लेके अगर 35 साल की अगर CRPF BSF ITBP या आर्मी में अगर 16 साल या 17 साल 18 साल की नौकरी करता है ना, उस नौकरी में जितना पैसा कमाता है ना उतना ही पैसा शहीद को मिलता है। तो जिंदा रह के कमाना ज़्यादा अच्छा है या शहीद हो जाना? लेकिन ये बात आपके समझ में नहीं आएगी इन बुद्धिजीवियों के, जिनकी ज़्यादा मोटी बुद्धि है ना उनको ऐसी बातें उपज दी है। शहादत में जो रकम मिलती है ना वो कोई उसकी बदले नहीं मिलता है कि इसने अपने देश के लिए जान दी, उसके बदले नहीं, उसके परिवार के गुजारा के लिए एक धनराशि मिलती है कि उनका परिवार का पेट इससे भर रहा था, अब ये नहीं रहा इस दुनिया में, देश के लिए इसने बलिदान दिया है तो अब इसका पेट की जिम्मेदारी देश की है, इसके परिवार के पेट की जिम्मेदारी देश की है, इसलिए वो धनराशि मिलती है। तो उसके बदले जान के बदले पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि जब फौज की जब ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में एक शपथ खिलाई जाती है कि मुझे आग पानी जल कहीं पर भी पृथ्वी पर कहीं पर भी ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा, चाहे अपने देश में या किसी विदेश में। आपको शायद पता नहीं, चलो आप मातृभक्ति की ये बोलते हो ना, हमारे देश के सैनिक हमारे देश के लिए नहीं दूसरे देशों के लिए भी लड़े। पता नहीं हो तो इतिहास उठा के देख लेना, खुद के देश के लिए तो लड़े हैं, दूसरे देशों के लिए भी लड़े हैं, वहां पर देश के आत्मसम्मान के लिए लड़े। तो फालतू की बकचोद नहीं करना यहाँ चैनल पे आके, ठीक है? और जॉब फौज की जॉब है ना वो त्याग तो है ही है, परिवार से दूर रहना सबसे बड़ी त्याग है। 24 घंटे ड्यूटी, सियाचिन ग्लेशियर का तापमान देखा, कश्मीर का तापमान देखा, कश्मीर का माहौल देखा है, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे पत्थरबाजों के कैसा माहौल है। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट एरिया में CRPF कैसे काम करती है, CRPF के कैसे 45 जवान एक साथ, जहां पर गाड़ी शहीद, वो पूरी पूरी गाड़ी ब्लास्ट हुई थी, उसी दिन से अगले दिन से वहीं पर जवान ड्यूटी कर रहे हैं दिल्ली, जहां पर उन्हीं के दोस्त उनके भाई शहीद हुए हैं वहीं पर ड्यूटी में खड़े हैं, तो कैसा फील होता है वो तुम्हारे को शायद पता नहीं है। ये देश प्रेम है इसीलिए खड़े होते हैं, पैसे के लिए खड़े नहीं होते। और अगर पैसे के लिए खड़े होते हैं तो 5 साल में अगर पैसे कमा के जा भी सकते हैं, 10 साल में जा भी सकते हैं। ऐसी सोच रखने वालों को बता दूं कि या तो ऐसी सोच खत्म कर दो, और जो भी लोग रखने वाले हैं ना ऐसी कमेंट बॉक्स में, मेरे तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं अगली बार से, नहीं तो साला जहां पे है ना वहीं से उठा लूंगा मैं। अरे कभी भर्ती देखी आर्मी की? नहीं देखी है तो एक बार देखने चले जाना, या किसी जो फोर्स के बंदा जो तैयारी करता है ना उससे एक बार मिल लेना, उससे पूछ लेना कि कैसे तैयारी होती है, कितना मुश्किल होता है उसके लिए तैयारी। पता है गरीब घर में जब भर्ती देखने जाता है ना उसके पास में 100 रुपये नहीं होते हैं भर्ती का किराया, रेलवे में जनरल के डब्बे में जाता है और उस डब्बे में 90 सीट के डब्बे में 200 आदमी बैठे रहते हैं, 90 सीट के डब्बे में 200 जनरल बैठे रहते हैं, उसमें खड़े खड़े जाता है ऐसे लटक के, और जाने के बाद में फिर 5 किलोमीटर की रनिंग करता है या 1600 मीटर की रनिंग करता है अगले दिन सुबह, जो पूरी रात 12 घंटे खड़े खड़े ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जाता है रोड पे सो के 1 से 2 घंटा कुछ बिना खाए पिए, और रनिंग करके रनिंग निकालता है, चाहे 5 किलोमीटर की हो चाहे 1600 मीटर की हो, या अपने फिजिकल जितना भी मापदंड है वो पास करता है। किसान के हाथ और जो फौज की तैयारी करते हैं ना उसके पैर देख लेना, पता चल जाएगा कि कैसे होती है तैयारी। शौक नहीं होता सभी को, बिस्तर अच्छे लगते हैं, लेकिन जिनमें जुनून होता है ना फौज की वर्दी पहनने का, ये आप किसी ब्रांडेड कंपनी चला देना, कहीं पे भी ब्रांडेड शो चल रहा हो ना ड्रेस का, वहाँ पर एक फौजी को घुमा देना, सबकी नज़रें ठहरा नहीं देना, तो बताना अगर 20 बंदे चल रहे लाइन में क्यों में और एक फौजी को घुमा देना बीच में, सबका अट्रैक्शन एक साइड में आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? तो देशभक्ति ऐसे ही नहीं होती है, और जिनमें जुनून होता है ना देशभक्ति करने का वही ऐसे पैसे लेते हैं, वही सोचते हैं फौज की नौकरी करने का। तो जब वो जाता है तो उसके बाद में भर्ती निकालता है फिर पेपर देने के लिए, कि कौन सी कंडीशन से आता है वो। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके फिक्स रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन का किराया भाड़ा ही मिल पाता है घर पे, इतनी गरीब कंडीशन से आते हैं। कई लोग नहीं, मतलब जो फौज की तैयारी कर रहे हैं उनमें से 80% लोगों की मैं कंडीशन बता दे रहा हूँ, उनके घर की कंडीशन ये है फिर भी फौज में जाने का जज्बा रहता है उनमें, फिर भी तैयारी करते हैं देश में। अब यार एक चीज़ ये बोलेंगे कहीं कि फिर और भी पेपर फाइट कर, बिल्कुल फाइट कर सकते हैं, लेकिन जो सपना होता है ना, क्योंकि फौजी मिलने के बाद फौजी वर्दी मिलने के बाद में जो इज्जत मिलती है ना इस देश में शायद कहीं नहीं मिलती,
क्यों नहीं मिलती, ऐसी इज्जत फ्री फंड में नहीं मिलती है। इसके लिए कई सारे त्याग बलिदान देने पड़ते हैं। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती फ्री फंड में। आपको पता है कि कल आपका दोस्त जहाँ पर ड्यूटी गया था वहाँ पर कैसे फायरिंग होती है? AK-47 की गोली देखी है ना, मेरे कई फोटोज में देखी होगी मेरे साथ में AK-47। दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन जब गोली निकालती है ना 900 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो सिर्फ इंसान की जान लेके निकल जाती है, एक सेकंड में पता नहीं चलता। जो फौजियों के पास होती है, दुश्मन के पास में भी वही वेपन होता है। अगर 100 मीटर दूर से पास से मारे ना AK-47 की गोली, चार लोगों के बीच से निकल जाए और एक क्षण नहीं लगता, एक क्षण तड़ 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 उस गोली का सामना दिखती नहीं है वो। 1 किलोमीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जब गोली निकलती है ना, दिखती नहीं है। अगर कान के पास से भी गुजर जाए ना तो भी नींद ना आए चार रात, उस कंडीशन में, उस फायरिंग के बीच में। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन जाना। अरे जान बचा पाना बहुत आसान है, शायद आपको पता नहीं है देशभक्ति का। जब आतंकवादी आते हैं ना, किसी फौज के कैंप पे अटैक नहीं करते हैं, वो सिविलियन को परेशान करते हैं। जितने भी आतंकवादी सिविलियन को मारते हैं तो वो अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन कोई भी उस समय उनको भी पता कि AK-47 की अगर फायरिंग चल रही है, किसी भी गन की फायरिंग चल रही, कौन सी गोली उनके नाम की पता नहीं चलता, चाहे तो वो भी रुक सकते हैं, आड़ पकड़ के लेट सकते हैं। सबसे पहले फौज में खुद की जान बचाना सिखाया जाता है, लेकिन उस समय वो चीज़ भूल जाते हैं और दूसरों की जान बचाते हैं। दूसरों की जान कैसे बचानी है, जब खुद सुरक्षित रहो तभी तो दूसरों को बचा पाओगे। तो वो सिखलाई है ना, हर एक फौजी इंसान जो देश प्रेम करता है ना, वो सिखलाई भूलता नहीं है। और जब भूल भी जाता है ना, जब दूसरे की जान की बात आती है ना, तो पहले खुद की जान जोखिम में डाल के फिर बचाता है। ऐसे कई उदाहरण मिल गए होंगे आपको, नहीं तो याद ना है ना तो 26/11 वाला एक बार वापस देख लेना। किसी का भाई बहन नहीं था वहाँ पे, NSC कमांडो के जो शहीद हुए हैं, जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उनके कोई भाई बहन नहीं था उनमें। लेकिन ये देश प्रेम है, इसीलिए इसके बारे में अगर कोई कमेंट किया बकचोदी में, तो साला बख्शूंगा नहीं मैं किसी को। जितने भी लोग फौजी बनते हैं ना, उनको पता है कितना प्राउड होता है। अरे जब 4 साल 5 साल का बच्चा ऐसे सल्यूट मारता है ना, वीडियो कॉलिंग में भी ऐसे सल्यूट मारता है, लोग स्टेटस लगाते हैं। बाकी तो भाई तुम्हारे ब्रांड है ना फेल है। इस देश में रह रहे हो तो देशभक्तों की इज्जत कर लो, नहीं तो एक दिन किसी देशभक्त के सामने आ गए ना, साला मुंह दोगे पेंट में। जय हिंद, जय भारत।